सो हे गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी को भी बिना रिचार्ज के वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या फिर आप सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज कैसे कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम वहाँ पर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या फिर सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है समरिया, लेकिन हम वाईफाई के थ्रू क्या कर लेते हैं, अपने फोन में इंटरनेट का उपयोग कर लेते हैं। जब आप अपने फोन में इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको दो प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम यहाँ पर आपको ये आता है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो बंदा ऑनलाइन होना चाहिए, और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि उसका व्हाट्सएप अकाउंट होना चाहिए और साथ ही उसका फोन एंड्रॉयड होना चाहिए। अगर उसका फोन ये नोकिया का होगा तो कॉल ही नहीं लगेगा। लेकिन गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं उस तरीके से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, चाहे उसका फ़ोन एंड्रॉयड हो, उसका व्हाट्सएप अकाउंट हो या फिर नहीं हो, या फिर उसका सिंपल सा अगर नोकिया का फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो छोटा वाला, तो भी आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि अगर सामने वाले व्यक्ति का वो छोटा वाला फ़ोन है तो आप उस पर केवल वॉइस कॉल कर सकते हैं या फिर सिंपल सा आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है तो आप ये तीनों काम कर सकते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या फिर सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज। तो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल को ओपन करना है, देन आपको इस वाले साइट पे जाना है। साइट पे विजिट करने के बाद आपको वहां पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कॉल का, वॉइस कॉल का, मैसेज का। सिंपल सा आप उस पर क्लिक कीजिए और आपका यहां पे काम हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।